हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि चांदनी चौक में कुछ नया बन रहा है और चांदनी चौक को पूरी तरीके से बनाया जा रहा है। बदला नहीं पिछले इतने सालों में, लेकिन अब बदलने वाला है, ठीक है। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हो, ये है रेड फोर्ट, और आज मैं इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूं कि क्या कुछ यहां पे चल रहा है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूँगा। लेकिन हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। भी मैं ऐसे चांदनी चौक आता हूँ ना, मेरा दिल खुश हो जाता है, सच बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों का दिल वाकई में बहुत बड़ा है। और ट्रस्ट मी, यहाँ पे ना बहुत प्यारे लोगों का एक दूसरे के साथ। यहाँ पे वैसे जो कहते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की है, वो इसकी वजह से कहते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये बहुत सही है। यहाँ पे लोग एक दूसरे की फिक्र करते हैं और एक्चुअली यहाँ पे गाँव वाली फीलिंग आती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो यहीं से, तो ये जगह मेरी सबसे फेवरेट जगहों में से एक है। तो चलो अब मैं अपनी गाड़ी को करता हूँ पार्क और फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लगाऊंगा अपनी गाड़ी को पार्क। और ये मार्केट देखो, अगर आप आए होंगे यहाँ पे तो आपको ये याद होगा, ये मार्केट देखो कैसा खाली दिख रहा है ना, देखो पूरा है ना खाली, पूरा कुछ भी नहीं है यार। तो ऐसा मैंने तो नहीं देखा था। और बहुत सारी दुकानें ऐसी जो कभी बंद नहीं हुई यहाँ पे, कभी नहीं, कभी उन पे ताला नहीं लगा, लेकिन अभी इस टाइम पे लग गया है। ये राइट हैंड साइड में पूरा लाल किला है, ठीक है, रेड फोर्ट जिसे कहते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में मैं अपनी गाड़ी को लगाऊंगा पार्क, पार्किंग है आगे, तो आगे से मैं इसे एंटर करके और इसके अंदर मैं करूँगा अपनी गाड़ी को पार्क, ठीक है। और ये है लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो देख रहे हो ये है पार्किंग, ठीक है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्रवेश द्वार कार पार्किंग। लेकिन वैसे ये पार्किंग आज वैसे देखोगे ना तो ये पूरा भरा रहता है नॉर्मल दिनों में ना पूरा, और ऐसी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं यहाँ पे, गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती इसमें। वैसे ऊपर भी इसके पार्किंग है और नीचे बेसमेंट भी है इनका, लेवल 1, 2, 3, 4, तो पूरे इसकी जो पार्किंग है हर वक्त ऐसे फुल रहती है ना। चलो लकली ऐसा लगता है कि शायद ना इस पे स्पेस है अवेलेबल, ठीक है। तो चलते हैं, पहले मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर लूँ और फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है, चलो। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ना चांदनी चौक की, वो सड़क है जिसे बनाया जा रहा है, ठीक है। ये शायद आपने नहीं देखा होगा, जैसा कि आपने इमेज में देखा था, ये यहाँ पे काम चल रहा है। इतनी जगह कभी पहले होती नहीं थी एक्चुअली। अभी जो नया बनाया जाना ना, अब अगर इस रेड फोर्ट पे खड़े हो गए तो वहाँ से बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो पूरी ये जो स्ट्रेट रोड है, ये जो इसको बनाया जा रहा है, पूरा स्ट्रेट बनाया जा रहा है, और ये बनने के बाद आप सोचो कितना खूबसूरत लगने वाला है, बहुत ही खूबसूरत। तो याद होगा पहले जब आप चांदनी चौक आते थे ना, तो आपको चलने तक की जगह नहीं मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब ये जो बनाया जा रहा है ना, ये बड़ा ही खूबसूरत बनाया जा रहा है। मेरे पीछे आपको रेड फोर्ट दिख रहा होगा, रेड फोर्ट से सोचो कितना खूबसूरत सा ये नज़ारा दिखने वाला है आपको, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको बनाया गया है और कितनी जगह हो गई है वो भी आपको देखने को कि मिल रहा होगा। अगर आप देखोगे ना तो इस पर मजबूती का जो है ना, वो पूरा ध्यान रखा जा रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट पे, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो जगह है ये बहुत पुरानी है, ठीक है। और ये मिट्टी काटने के बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ सपोर्ट देने के लिए, ताकि ये जो मिट्टी है ये फ्यूचर में गिरे नहीं। और ये जो वॉल है, क्योंकि आपको पता है ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बहुत पुराना है, ठीक है, ये पूरा मार्केट आगे, इसलिए ये गिर ना जाए, तो इसके लिए देखो सपोर्ट देने के लिए क्या किया इन्होंने, मोटी मोटी लकड़ी का पूरा यहाँ पे बना के ना सपोर्ट, और बीच में लोहे के ये खंभे दिए हैं, और ये लोहे के खंभे बहुत मजबूत हैं, ठीक है, और बहुत मोटे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, देखो। तो ये जो खंभे रखे हैं ना, इसी खंभे को, और इस खंभे की मोटाई आपको दिख रही होगी कितना मोटा है ये, और इसी खंभे को यहाँ लगा रहे हैं ताकि इसको सपोर्ट मिले। ये जो वॉल इधर है, क्योंकि ये मार्केट है, इस मार्केट को तो आपको हटा नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे ये वॉल बनाया है, ठीक है। ये फ्यूचर में कवर हो जाएगा तो आपको ये दिखेगा नहीं, लेकिन अभी मैंने आपको दिखा दिया है, क्योंकि ये बनाने के बाद उसके बाद फिर ये यहाँ पर वॉल देंगे पूरा ईंट का, हाँ जी, ईंट का पूरा वॉल देंगे। तो एक सपोर्ट वो हो जाएगा, दूसरा सपोर्ट वो ईंट का जो वॉल देंगे वो हो जाएगा, तो ये पूरा क्या होगा कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये स्ट्रक्चर, है ना। तो मजबूती का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है इस पर, और ये पूरा देखो किस तरह से बनाया जा रहा है। अभी हम जाएंगे आगे की तरफ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप कभी आए होगे चांदनी चौक में, तो आपको याद होगा कि ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता नहीं था, याद है, नहीं दिखता था ना। इसके नीचे वाटर पाइपलाइन, इसके नीचे इंटरनेट कनेक्शन, सब कुछ हो चुका है, क्योंकि जब ये काम चालू हो रहा था तब मैंने इसे देखा था। और ये यहाँ पर नया चांदनी चौक बनाया जा रहा है,
ठीक है, न्यू, फिर से एक नए ढंग से इसको डिजाइन करके बनाया जा रहा है। देखो तो वॉक करने के लिए भी पूरी जगह है, ठीक है, ये पूरे देख रहे हो, और प्लस यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में, और इनके बीच में फिर प्लांट्स लगाए जाएंगे। जितने भी अतिक्रमण थे, जितने भी लोगों ने पहले दुकानें यहाँ पे आया करती थी, आपको अगर याद होगा था, लेकिन वो सब पीछे चला गया है। और अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ काम जो रह रहा है वो भी चल रहा है, और अब आपको दिख रहा होगा कि क्या खूबसूरत चांदनी चौक दिख रहा है ना। आपने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये न्यू इंडिया का एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि ऐसी जगह को डेवलप करना जो जहाँ पर कभी डेवलपमेंट हुई ही नहीं, जहाँ पर पिछले पता नहीं कितने दशकों में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही है। इस जगह पर डेवलपमेंट होना इस बात की गवाही देता है कि ये कंट्री जो है ये बदल रहा है, ये जो इंडिया है वाकई न्यू इंडिया बन रहा है, ठीक है। इस जगह पर कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब आप चांदनी चौक को ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पे कुछ ऐसा बनने वाला है, लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ ना, क्या बनाया PWD ने, और बहुत ही खूबसूरत बनाया, मुझे देख कर तो बहुत ही खूबसूरत लगा। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर आप खड़े हो गए तो सामने देखो रेड फोर्ट दिख रहा होगा, ये सामने है लाल किला, और देखो कितना दूर से आपको पूरा लाल किला दिख रहा है, और ये देखो पूरा, जैसा कि मैंने कहा ये जो पत्थर है ये राजस्थान से लाए जा रहे हैं, और इन सारे पत्थरों पर पूरा ऐसे नक्काशी की हुई है, ठीक है। ये देखो ये बीच में गमले भी रखे जाएंगे, और इन गमलों में फिर आपको ऐसे फ्लावर्स देखने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। ये जो पूरा ये जैसे ये देख रहे हो ना, ये जो रोड है ये कंक्रीट का बनाया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो वॉक करने के लिए ये भी एक जो दिया गया है कि अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वो जो है वो भी पत्थर है, लेकिन पत्थर का पूरा वहाँ पे टाइल्स लगाया गया, वो कंक्रीट से ढाला नहीं है उसको, ठीक है। जहाँ जहाँ पर ये पेड़ लगा रहे हैं तो पहले लोहे का फ्रेम लगा रहे हैं, ठीक है, और फ्रेम लगाने के बाद उस पर पत्थर डाल देते हैं, ये देखो। तो इस पर बहुत टाइम से काम चल रहा था, ये रहा मैकडी, और ये जो है ये मार्केट है जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल सारा सामान मिलेगा, ये राइट हैंड साइड में, इसलिए इसमें इतनी लाइटें दिख रही होंगी आपको, दिख रही है ना। तो ये है बिजली मार्केट, और इस मार्केट में आपको इलेक्ट्रिसिटी का अगर कोई सामान लेना है तो आप ले सकते हो, मैकडॉनल्ड्स के बिल्डिंग के जस्ट बाजू में। और पहले यहाँ तक आने मैंने जंग जीतना पड़ता था, क्योंकि इतना रश होता था ना इस जगह पर, लेकिन अभी तो आपको पता है कि सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा नहीं हुआ है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छे खासे जो अब लोग अगर आएंगे भी तो भी उनको वॉक करने के लिए जगह मिल जाएगा। और देखो कितना सही लग रहा है ना, है ना, सारा वाटर पाइपलाइन का काम हो रहा है फिर से, मतलब इस जगह पे कभी शायद पिछले कुछ दिनों में ना डेवलपमेंट नहीं पहुंचा था, और इसलिए मैं कह रहा था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको न्यू इंडिया की झलक दिखाता रहूँगा, और न्यू इंडिया की झलक में ना ये सबसे सॉलिड चीज़ है, ठीक है। और आगे चलो क्या, चलो चलते हैं। यहाँ पे देखो फ्लावर्स के नए नए प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, ये, और ये जो भाई है ये अपना फ्लावर प्लांट्स लगा रहा है, और इस पर काम जो है वाकई तेज़ी के साथ चल रहा है। और भूल जाइए अब इस पर गाड़ियाँ नहीं चलने वाली हैं, ठीक है, इन्होंने गेट पूरा बना दिया और इसको फिर बंद कर दिया जाएगा, तो गाड़ियाँ नहीं चलने वाली हैं, इसलिए ये अच्छी बात है कि आपको ऐसा कभी इस पर ये गाड़ियों वाला ट्रैफिक का लफड़ा ये सब नहीं मिलने वाला है। हर चीज़ का इस पर बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रखा गया है, चाहे वो वाटर पाइपलाइन लगाना हो, या फिर प्लांटेशन करना हो, या फिर इस तरह से आपको कोई बिजली के ट्रांसफार्मर यहाँ पे नहीं दिखे थे, नहीं दिखे थे ना, इतना सारा तारों का जंजाल दिखता था, लेकिन अब देखो ये पूरे पत्थर लगा रहे हैं, और उसको पत्थर लगाने के बाद फिनिशिंग कर रही है टीम, तो बहुत सही लगता है ये देखने के बाद कि इस जगह पर भी डेवलपमेंट पहुँच गया है, और इससे ये लगता है कि हाँ डेवलपमेंट वाकई में हो रहा है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे अपनी बाइक या फिर अपनी जो कार है, वैसे कार तो अंदर ला नहीं सकते, बाइक लोग गलियों से कैसे कैसे करके लेके आ जाते हैं, तो उसके लिए पुलिस की टीम है, वो उसको टो करके लेके जाती है। और ये देखो जगह कितना सारा है, ये देखो ये दुकानें कितनी पीछे चली गई हैं, दिख रहा है, और ऐसा ही नज़ारा पूरा आपको दिखेगा, पूरा दूर दूर तक, ऑलमोस्ट मैं इतना दूर वॉक करके आ गया हूँ, लेकिन ये नज़ारा जो है ना पूरा दूर तक दिखेगा, आखिरी तक अगर मैं जाऊँगा तो, ठीक है, अगर इधर भी जाऊँगा तो। ये बीच में ऐसे पत्थर के दिए हुए हैं ताकि आपको अगर बैठना हो, आराम करना हो, तो वो आप कर सकते हो। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये मेरे पास आ रहा था कि आप प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो ये लो भाई बना दिया। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपने इस पर बाइक लगाया तो ये लो, क्योंकि लोग अपनी बाइकें तो लेके आ जाते हैं अंदर अंदर गलियों से, लेकिन उसके साथ ये होता है सर, ये गई बाइक ऊपर, ठीक है,
तो भाई ये मत करना, बस इधर अब बाइक वाइक अलाउ है नहीं तो मत लाना, नहीं तो ऐसा ही होगा जाके अब ये थाने में जाओगे और थाने में जाके फिर ये बंदा जिसकी भी बाइक है वो थाने जाएगा और थाने में जाके पैसे पे करके आएगा। हाँ जी, ये है मेरे सामने गुरुद्वारा साहिब, और ये देखो, ये ऐसा आपको लग रहा है कि इस जगह पे कभी आप पहले आए हो, लग रहा है ना पूरा नया नया सा। ये देखो कितना चमक रहा है, मेरे को मन कर रहा है पूरा आखिरी तक चला जाऊँ क्योंकि इतना सही लग रहा है ना ये देखने के बाद। और इसकी जो पूरा जो ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कुछ ऐसा वैसा नहीं है, मतलब क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये देखो पहले कंक्रीट की पूरी फ्लोरिंग की जा रही है, ठीक है, कंक्रीट का फ्लोरिंग करने के बाद उसके बाद ना इसके ऊपर, ये तो क्योंकि साइड वॉक है तो इस पर क्या कर रहे हैं, इस पर टाइल्स लगा देंगे पत्थर का, ठीक है। इस तरह भी ये भी जो देख रहे हो ये पूरा कंक्रीट का ढाला हुआ है, और इसकी मोटाई देखो आप, नहीं दिख रही, मैं दिखाता हूँ, होल्ड करो, और इसकी मोटाई देखो आप कंक्रीट से ढाल के कितना मोटा किया हुआ है ना। और इस पत्थर जो लगे हैं इसकी भी मोटाई अच्छी खासी है, ठीक है। और ये पूरा कंक्रीट से ढालने के बाद जहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, ये प्लांट लगाने के लिए, ये ड्रेनेज सिस्टम का है, ठीक है, ये प्लांट लगेगा यहाँ पे, इसलिए ये छोड़ा हुआ है। और ये देखो पूरा कंक्रीट से ढालने के बाद हर चीज़ का इसमें ध्यान रखा गया है, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो चाहे वॉक करने के लिए हो। तो अगर आप समझो कि चांदनी चौक जैसे एरिया में अगर डेवलपमेंट पहुँच गई तो आपको लग रहा होगा ना कि इंडिया वाकई बदल रहा है ना। देखो तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा और न्यू इंडिया के सैर कराता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।